हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सुरन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। तो कल मैंने जैसे आपको सिलेबस बताया था कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, SST का, CTET लेवल 2 का हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी है, हम बिल्कुल ईजी से डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। तो हिस्ट्री सबसे पहले हम 6th क्लास की हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि हमें जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। तो हिस्ट्री क्या है एक्चुअल में? जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई सबसे पहले कंटेंट को समझिए, जो वर्ड है उसको समझिए, जो हमें करना है उसको समझिए। तो हमारा फर्स्ट ही चैप्टर मान लो या फर्स्ट ही हमारा टॉपिक मान लो, बिल्कुल स्टार्टिंग है ये कि हिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। अगर हम किसी से पूछें किसी की हिस्ट्री कि भाई मुझे उसकी हिस्ट्री निकालनी है, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स नहीं, लवर्स, कि भाई मुझे उसकी हिस्ट्री चाहिए, मुझे इसकी हिस्ट्री चाहिए, बॉयज़ को गर्ल्स की चाहिए, गर्ल्स को बॉयज़ की चाहिए, तो ये वाला सीन। तो हिस्ट्री से हम क्या मीन लेते हैं? हम जब हिस्ट्री हमें सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? पास्ट। कोई भी इंसान है उसका पास्ट, किसी की हिस्ट्री जाननी है मीन्स हमें उसका पास्ट जानना है, हमें उसका अतीत जानना है। तो हिस्ट्री को हम क्या कहेंगे? अतीत। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अतीत, जो हमारा अतीत है, यानी कि जो हमारा पास्ट है। हिस्ट्री क्या हो गया? सिंपल वे में अगर कहें तो वो हमारा अतीत है, हमारा पास्ट है, उसके बारे में हम जानते हैं। इट मीन्स ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। क्लियर? अब 2018 में एक डेफिनेशन आ गई थी, वैसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती SST में, बट 2018 में एक डेफिनेशन आई थी प्रोफेसर घाटे की। किसकी आई थी? प्रोफेसर घाटे की। डेफिनेशन क्या थी प्रोफेसर घाटे की? इन्होंने क्या कहा है कि हिस्ट्री जो होती है, इतिहास जो होती है, हमारा इतिहास, इतिहास क्या होता है? इतिहास अतीत का, इतिहास अतीत का लेखा जोखा। क्या है? लेखा जोखा एवं क्रमबद्ध। क्योंकि हम हिस्ट्री को क्रमबद्ध पढ़ते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि पहले जो स्वतंत्रता संग्राम है उन चीजों को पढ़ लिया, फिर हम हड़प्पा सभ्यता में जाएंगे, फिर हम पाषाण युग में जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हम एक क्रम से पढ़ रहे हैं उस चीज को कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, तभी हिस्ट्री होती है ना। वही तो हिस्ट्री मानी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। इतिहास अतीत का लेखा जोखा एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। ये डेफिनेशन आ गई थी भाई, कब आई थी? 2018 में ये पूछी गई थी। थोड़ा सा इसको, इस पर निगाह मार लो, नज़र मार लो इस पर। घाटे जी प्रोफेसर जो है वो घाटे में चल रहे हैं, तो इस पर थोड़ी सी निगाह मार लो। 2018 में आ गई थी, इतिहास अतीत का लेखा जोखा एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। क्लियर? हिस्ट्री क्लियर है कि हिस्ट्री क्या होती है? ओके, अब बात करते हैं हम टाइम पीरियड, यानी कि काल। इतिहास काल है उसकी हम बात करते हैं, इतिहास काल या टाइम पीरियड जो हमारा है उसकी हम बात करते हैं। तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड है, यानी कि टाइम। सबसे पहला है हमारा प्रागैतिहासिक, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक, और थर्ड जो है हमारा वो है ऐतिहासिक। सबसे पहला है हमारा टाइम जो है, फर्स्ट क्या है? प्रागैतिहासिक। एक एक को हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, बस आप क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। प्रागैतिहासिक। सेकंड है हमारा आद्य ऐतिहासिक। क्या है? आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। ये कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्या है? ऐतिहासिक, यानी कि हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। फर्स्ट कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल टाइम जो हमारा है, वो 3 टाइप्स इसके होते हैं। अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे। इतना क्लियर है? अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या है?
तो ये वो काल है जिसमें पढ़ना लिखना था ही नहीं, मीन्स पढ़ाई लिखाई का या लिखित कोई हमें प्रूफ नहीं मिला, कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिला, ठीक है। इनकी 9 रिटन वर्क जो है वो हमें नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लिखित रूप हमें नहीं मिला, ठीक है। तो इस ये कौन सा काल है, इसको अगर एग्जांपल की हम बात करें, पाषाण काल अगर हम बोलें, तो ये काल जो है स्टोन टाइम अगर हम कहें, स्टोन पीरियड जो हम कहें, पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल है, इसका एग्जाम्पल है। प्रागैतिहासिक के काल मीन्स जहाँ कोई सबूत नहीं मिला है कि उस टाइम रिटन वर्क था, या क्योंकि उस टाइम लिखना नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं था, इससे ये साबित होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, रिटन में हमें सबूत मिले हैं, रिटन में हमें जो सबूत है वो मिले हैं, बट हम पढ़ नहीं पाए, इसको क्या है डिकोड नहीं कर पाए। रिटन में हमें मिला है लेकिन हम डिकोड नहीं कर पाए, उस चीज को समझ नहीं पाए। डिकोड करना मीन्स उस चीज का हम अर्थ नहीं निकाल पाए कि ये कहना क्या चाहते हैं, डिकोड नहीं कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है जिसके पास हिस्ट्री होगी, 1-2 में होगी या फिर आगे BA में होगी, उनको तो अच्छे से क्लियर है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो है, टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसकी इस टाइम में जो भी था, जो भी मिला था, उसका क्या है मीनिंग नहीं निकाल पाई, उस चीज़ को डिकोड नहीं कर पाई। लैंग्वेज तो थी, यानी कि लिखाई तो थी, लिखित स्वरूप तो मिला है, बट उसका मीनिंग का वो नहीं मिला। जैसे इसमें तो क्या था, पाषाण काल में तो क्या था, अगर खुदाई की, उस खुदाई में मतलब कोई चीज़ मिल गई, लाइक झुमका मिल गया, हाँ भाई झुमका मिला है, पता किया किस टाइम पीरियड का है, भाई टाइम पीरियड तो प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है, यानी कि प्री हिस्ट्री जो टाइम है वो है, ठीक है। तो इसके बारे में और कुछ हम जानने, तो जानेंगे कैसे, क्योंकि रिटन प्रूफ तो कोई है ही नहीं, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ तो कहीं है ही नहीं, ना ही कुछ लिखित है रूप, ना ही कुछ अंकित है उस चीज पे, तो कैसे पता करेंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, जैसे किसी लड़की की मूर्ति मिली, चित्रकारी उस टाइम में बहुत थी, हड़प्पा सभ्यता में जो है चित्रकारी मिलती थी, चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त किए गए हैं, चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से भाव व्यक्त किए गए हैं, बहुत ज़्यादा चित्रकारी मिली है। तो मान लो किसी लड़की का चित्र है, बनाया हुआ है कोई भी चीज़ है उसके ऊपर, तो हम ये समझे कि भाई ये माँ को दर्शा रहा है, ये क्या है माँ को दर्शा रहा है, फिर वही लड़की का चित्र हमें आगे मिलता है कि उसके हाथ कटे हुए, तो इसका मतलब हम क्या समझे, ये कि भाई इसकी ये जो माँ है वो आधी कटी हुई है, नो। तो मीन्स इसका मतलब कुछ और है, भी हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, एक जगह वो चीज है उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, ठीक है हमने मीनिंग निकाल लिया, बट वही चीज हमें दूसरी जगह मिल रही है तो हम उस चीज का कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उसका मीनिंग जो है अलग निकल रहा है। तो इट मीन्स क्या है, हम यहाँ की जो लैंग्वेज थी उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। ऐतिहासिक काल, यहाँ सब कुछ था, यहाँ के लोग जो थे पढ़े लिखे थे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं इतिहास, तो यहाँ रिटन वर्क हमें मिला है, साक्षात जो प्रूफ है वो हमें मिले हैं, लिखाई पढ़ाई जो चीजें हैं वो हमें मिली है, लाइक मौर्य काल, गुप्त काल, ये सभी तो इतिहास ही है ना, स्वतंत्रता संग्राम हो गया हमारा, तो ये सब क्या है ऐतिहासिक काल में है। तो 3 हो गए हमारे गुप्त काल, जो हमारे साम्राज्य रहे वो किस में आएंगे, ऐतिहासिक काल में आएंगे। सबसे पहले जैसे वैदिक काल हो गया, तो ये किस में, इसमें पढ़ाई लिखाई थी, तो ये इसमें आता है। तो हिस्ट्री जो है, यानी कि अतीत हमारा, हमारा पास्ट हिस्ट्री होता है, उसका क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करते हैं, वो हिस्ट्री है। और इसके 3 पीरियड है, टाइम पीरियड कितने हैं, 3 है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री जो पीरियड है वो वाला, उसमें क्या है पाषाण काल, जैसे पाषाण काल की हम बात करें, स्टोन पीरियड की हम बात करें, स्टोन टाइम की हम बात करें, तो उसमें लिखित रूप हमें नहीं मिला, कहीं भी कोई साक्ष्य रूप नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हम जैसे हम गैस कर सकें कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा था, या मतलब कैसे लोग रहते थे, कुछ नहीं बता सकते। सेकंड है हड़प्पा सभ्यता, इसको डिकोड करने की कोशिश की गई बट डिकोड हुआ नहीं, वहाँ चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त किए गए, बहुत ही अच्छी चित्रकारी, एक जैसे स्नानागार वाला आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छी वहाँ चीज़ें जो है, सुविधा जो है अच्छे से वर्णन किया गया है उसका, बट उसको डिकोड नहीं कर पाए, इनकी साक्ष्य नहीं मिला, ऐसा कि उनकी जो लैंग्वेज है उसका कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला। 3 है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, जो हमारा हम एक्चुअल में हम पढ़ते हैं, तो वो उसमें जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल, बहुत सारे काल हैं, बहुत लंबा पीरियड है।
तो वो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज भी थी, उसका साक्षर स्वरूप भी हमें मिला है, लिखित में मिला है सब कुछ हमें। ओके, अब बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो हम एक्चुअली कंफ्यूज रहते हैं। सिक्स सेवन्थ के स्टूडेंट हैं वो तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर हमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि ये होता क्या है। बी सी ई क्या है? और ये क्वेश्चन भी आ चुका है SST में, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। बी सी ई क्या है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा। तो इसको हम अच्छे से करते हैं। बिफोर कॉमन ईरा, जीसस क्राइस्ट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जीसस क्राइस्ट अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा। तो इनके पैदा होने से पहले का जो टाइम है उसको कहा गया बिफोर क्राइस्ट, BC। क्या कहा गया? BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। आपने बुक्स में देखा होगा BC, हिंदी में देखा होगा ईसा पूर्व लिखा आता है, इंग्लिश में देखा होगा BC या AD लिखा आता है। तो देखो, अगर हम नॉर्मली हम पढ़े तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम पीरियड है, कहाँ से कहाँ तक ये टाइम पीरियड रहा, इनकी प्री हिस्टोरिकल टाइम है या प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम है, वो कहाँ से कहाँ तक था, किस मतलब ईयर से किस ईयर तक था, हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए बनाया है, जैसे क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का जो टाइम है यानी कि बिफोर क्राइस्ट, उसको बिफोर क्राइस्ट बोला गया। और जो बाद का है एनो डोमिनो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसा है, ठीक है, इसको एनो डोमिनी, तो इसको यानी कि इसके पैदा होने का बाद आफ्टर यानी कि एनो डोमिनी कहा गया इसको, दोनों ये नाम दिए गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको चेंज कर दिया गया। अब इसका मीनिंग क्या है, अब इसको BCE कर दिया गया, BCE कर दिया गया, यानी कि बी का मतलब बिफोर कॉमन ईरा, ई का मतलब ईरा यानी कि युग, और AD का मतलब यहां कर दिया गया ADE, यहां क्या कर दिया गया ADE, ओके, सॉरी डी नहीं ई, ACE, आफ्टर कॉमन ईरा, आफ्टर कॉमन ईरा, कॉमन मीन्स सामान्य, आफ्टर कॉमन ईरा कर दिया गया। पहले क्या था, BC और AD। तो ये कन्फ्यूजन शायद बहुत हो कि क्लियर हो गई होगी, शायद पहले बहुत सारे ऐसे होंगे आप में से जिनको पता नहीं हो कि ये BC ये AD इनका मीन्स क्या होता है या BC इसका मीन क्या होता है। तो ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान से कर लेना आप। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले यानी पैदा होने का पहला जो टाइम था उसको BC और बाद का AD कहते हैं, बट अभी चेंज कर दिया गया, इसमें BCE बना दिया गया, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा आफ्टर कॉमन ईरा कर दिया गया। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे का जो हमारा है वो हम कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा करोगे तो माइंड जो है हैंग हो जाएगा, इतना बच्चों को इतना नहीं पढ़ना चाहिए। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे का हम कंटिन्यू रखेंगे, कल हम करेंगे। तो प्लीज़ क्लास लेना, मिलते हैं फिर एक नई एनर्जी के साथ, नई क्लास के साथ, नई नॉलेज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो थोड़ा सा रहता है हमारा टॉपिक, ज़्यादा तो नहीं रहता, बट फिर हम कल करेंगे। ओके, क्लास को लाइक शेयर कर देना भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि आप लाइक शेयर करोगे, आप कमेंट करोगे, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको क्लास जो है वो किस वे में आपको पढ़ना है, क्या आप मतलब चेंजेस की ज़रूरत है या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, तभी पता लगे ना। थैंक यू।